हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाउ इज यू ऑल? फाइन। ओके बेटा, आई एम ऑल्सो फाइन। वेलकम अगेन टू योर ऑनलाइन साइंस क्लास। एज यू ऑल नो, इन द प्रीवियस क्लासेस वी डिड द एक्सरसाइज ऑफ लेसन 13। ओके, बट सम एक्सरसाइज आर लेफ्ट, सो इन द टुडेस वीडियो वी आर गोइंग टू डू और नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन। सो लेसन 13 इज द सन, मून एंड स्टार्स। द सन, मून एंड स्टार्स। सो ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, टिक द करेक्ट आंसर एंड नेम द फॉलोइंग। वी ऑलरेडी डिड, ओके, एंड टूडे वी आर गोइंग टू डू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सो एक्सरसाइज डी इज answer the following questions. So first question is, open your book page number 48 b 48, see the question in your book. Okay friends, so first question is, why does the moon glow? मीन्स होता है चमकना। वॉट इज द मीन्स ऑफ ग्लो? व्हाई डज द मून ग्लो? मून क्यों चमकता है? यू ऑल नो मून नोट हैव इट्स ओन लाइट। मून के पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती, बट फिर भी वो ग्लो करता हुआ दिखाई देता है, चमकता हुआ दिखाई देता ना। क्यों दिखाई देता है? बिकॉज सनलाइट फॉल्स ऑन मून। क्योंकि सनलाइट जो होती है, क्या होती है, मून पर गिरती है। बिकॉज सनलाइट falls on moon. Moon पर क्या होता है? Sunlight गिरती है, उसकी वजह से moon हमें glow करता हुआ दिखाई देता है। Sunlight से reflect होता है, इसलिए moon जो होता है वो हमें glow करता हुआ दिखाई देता है, means चमकता हुआ दिखाई देता है। So answer is because sunlight falls on moon. क्योंकि sunlight कहाँ गिरती है? Moon पर गिरती है, उसकी वजह से वो हमें glow करता हुआ दिखाई देता है। So this is the answer of question number 1. Now next is question number 2 is, why is there no life on the moon? Moon पर life क्यों नहीं है? Why is there no life on the moon? क्यों नहीं है वहां पर life? Why is there no life on the moon? So your answer is, क्यों नहीं है वहां पर लाइफ? क्योंकि there is no air and no water on the moon. Okay, so your answer is because there is no air and water, means वहां हवा और पानी नहीं है, on the moon. Because there is no air and water on the मून, क्योंकि वहां पर हवा और पानी नहीं है, इसलिए मून पर लाइफ पॉसिबल नहीं है। हमें लाइफ निर्माण करने के लिए एयर होती, मीन्स गैस सबसे ज्यादा जरूरी होती है, और वाटर भी सबसे ज्यादा जरूरत है, बट वो दोनों ही चीज वहां अवेलेबल नहीं है, इसलिए मून पर लाइफ पॉसिबल नहीं है। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज सोलर सिस्टम? राइट डाउन द नेम ऑफ द प्लैनेट्स इन करेक्ट ऑर्डर। सोलर सिस्टम क्या होता है और कितने प्लैनेट्स होते हैं सोलर सिस्टम, उनको उनके करेक्ट ऑर्डर में हमें नेम देना है। ओके स्टूडेंट्स, सो ये क्वेश्चन इज, व्हाट इज सोलर सिस्टम? क्वेश्चन नंबर 3 इज, व्हाट इज सोलर सिस्टम? सोल मंडल जो होता है वो क्या होता है, एंड और क्या करना है, राइट डाउन द नेम द नेम्स ऑफ प्लैनेट प्लैनेट
इनकरेक्ट ऑर्डर, इन करेक्ट ऑर्डर मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में. ओके, सो फर्स्टली यू टेल अबाउट द डेफिनेशन ऑफ सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम क्या होता है? सो सोलर सिस्टम में क्या क्या होता है स्टूडेंट? द सन एंड एट प्लैनेट्स. सन एंड एट प्लैनेट्स एंड देयर मून्स, और उनकी नेचुरल सैटेलाइट होती है देयर मून्स. मून्स इज ऑल्सो अ नेचुरल सैटेलाइट. टुगेदर फॉर्म आवर सोलर सिस्टम. ये सब मिलकर के क्या बनाते हैं? हमारे सौर मंडल बनाते हैं, सोलर सिस्टम बनाते हैं. ओके, सो सन एट प्लैनेट्स एंड देयर मून्स साथ में मिलकर के क्या बनाते हैं? सोलर सिस्टम बनाते हैं. ये तो हो गया व्हाट इज सोलर सिस्टम. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट डाउन द नेम्स ऑफ प्लैनेट्स इन करेक्ट ऑर्डर. आपको क्या करना है? उनके नेम बताने करेक्ट ऑर्डर में. जो हमारे प्लैनेट्स हैं उनके नेम करेक्ट ऑर्डर में बताने. सो नेम ऑफ प्लैनेट्स, सो यू राइट नेम ऑफ प्लैनेट्स. सो फर्स्ट इज मर्करी अकॉर्डिंग टू द इन करेक्ट ऑर्डर. मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस एंड लास्ट एंड एट इज नेपच्यून. ओके, सो मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, दीज आर करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्लैनेट्स. नाउ दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर थर्ड. नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर. सो क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपका है, डू प्लैनेट्स हैव लाइट ऑफ देयर ऑन, व्हाई डू दे ग्लो. डू प्लैनेट्स हैव लाइट देयर ऑन, क्या प्लैनेट्स अपनी खुद की लाइट रखते हैं? डू प्लैनेट्स हैव लाइट ऑफ देयर ऑन. व्हाई डू दे ग्लो. क्या प्लैनेट्स अपनी खुद की लाइट्स रखते हैं? नो, प्लैनेट्स मून के पास तो अपनी खुद की लाइट्स नहीं होती. वो किसकी वजह से ग्लो करते हैं? सन की लाइट से रिफ्लेक्ट होकर के हमें ग्लो करते हुए दिखाई देते हैं. सो इसका आंसर होगा फर्स्ट, डू प्लैनेट्स हैव लाइट ऑफ देयर ऑन, क्या प्लैनेट्स अपनी खुद की लाइट रखते हैं? नो, प्लैनेट्स डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ऑन. उनके पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती है. ओके, इसके बाद पूछा है व्हाई डू दे ग्लो, कि वो ग्लो क्यों करते, चमकते क्यों है? दे रिफ्लेक्ट, दे रिफ्लेक्ट द सनलाइट that falls on them. ओके, सो क्या होती है? वो रिफ्लेक्ट करते हैं सनलाइट को जो कि उन पर गिरती है. जो सन के पास अपनी खुद की लाइट होती है जो उन पर गिरती है, तो उनसे क्या होते हैं? रिफ्लेक्ट करते हैं. ओके, एंड दिस मेक देम ग्लो. और ये क्या बनाता है? ग्लो मीन चमकता हुआ बनाता है. दिस मेक्स देम ग्लो. ओके, यह उन्हें चमकीला बनाता है.
So students, your first, do planets have lights of their own? No, planets do not have lights of their own. Planets ke apne paas khud ki light nahi hoti. Why do they glow? They reflect the sunlight that falls on them. वो रिफ्लेक्ट करते हैं सनलाइट को जो उन पर गिरती है एंड दिस मेक्स देम ग्लो. और ये क्या बनाता है उन्हें? ग्लो करना, मीन चमकीला बनाता है, चमकता हुआ दिखाई देता है. सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. ओके, सो नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. सो क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट आर स्टार्स डू दे why do they look teeny? What are stars? So question 5 is what are stars? Means stars kya hai, tare kya hai, and why do they look teeny? Why do they look teeny? Wo hame chote kyun dikhai dete hain? सो व्हाट आर स्टार्स? स्टार्स क्या है वो हमें छोटे क्यों दिखाई देते हैं? सो स्टार्स क्या है स्टूडेंट्स? तो सबसे पहले हम स्टार्स के बारे में देखेंगे. ह्यूज बॉल्स मीन्स विशाल या बड़ी बॉल्स, बॉल्स ऑफ फायर क्या होती है? ह्यूज बॉल्स ऑफ फायर, आग के बड़े गोला, दैट आर सीन इन द नाइट स्काई. जो कि कहाँ दिखाई देता है? नाइट स्काई में दिखाई देता है. नाइट स्काई आर कॉल्ड स्टार्स, आर कॉल्ड स्टार्स. तो व्हाट आर स्टार्स? ह्यूज बॉल्स ऑफ फायर दैट आर सीन इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड स्टार्स. ह्यूज बॉल्स होती है जो फायर की मीन्स आग की जो गोली, जो विशाल गोलर्स होता है वो क्या होते हैं? जो कि नाइट में स्काई में हमें दिखाई देता है वो क्या कहलाता है? स्टार्स कहलाता है. एंड नेक्स्ट है व्हाई डू दे लुक टीनी? वो हमें टीनी में छोटे क्यों दिखाई देते हैं? टीनी में छोटे छोटे दिखाई देते ना स्टार्स. ओके, सो टीनी क्यों दिखाई देते हैं? स्टार्स आर, सो स्टार्स आर वेरी फार अवे टू द अर्थ, वेरी फार अवे टू द अर्थ. अर्थ से वो बहुत दूर है. जो सन जो होता है हमारे अर्थ के बिल्कुल सबसे पास जो होता है वो सबसे पास का स्टार कौन सा होता है? सन होता है. इसीलिए सन हमें थोड़ा साइज में बड़ा दिखाई देता है कंपेरिजन टू स्टार्स, अदर स्टार्स. सो स्टार्स जो होते हैं बहुत दूर होते हैं हमारी अर्थ से. ओके, स्टार्स आर वेरी फार अवे ऑफ द अर्थ, वो दे लुक टीनी. इसीलिए वो कैसे दिखाई देते हैं? छोटे दिखाई देते हैं. सो दे लुक टीनी, इसीलिए वो हमें छोटे छोटे दिखाई देते हैं. ओके, तो सन इज ऑल्सो स्टार. सन हमारे अर्थ के पास में होता है इसलिए वो हमें थोड़ा बिग दिखाई देता है कंपेरिजन टू अदर स्टार्स. ओके, दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट आर स्टार्स? स्टार्स क्या है? ह्यूज बॉल्स ऑफ फायर दैट आर सीन इन द नाइट स्काई. एंड व्हाई डू दे लुक टीनी? बिकॉज दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ, सो दे लुक टीनी. इसीलिए वो हमें छोटे छोटे दिखाई देते हैं. सो स्टूडेंट्स, योर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर कंप्लीटेड. ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट एक्सरसाइज. एंड ए एक्सरसाइज लेट्स डू. ए एक्सरसाइज ऑलरेडी हमने बुक में कंप्लीट कर लिया था. ओके, कल के वीडियो में. और आज हम नेक्स्ट जो आपकी लेट्स डू एक्सरसाइज है, लेट्स डू बी. ए आपका पिक्चर्स प्लैनेट्स के नेम देने थे वो आपने ऑलरेडी कर लिया था कल की वीडियो में. आज हम देखेंगे. देखो फ्रेंड्स, इन योर बुक लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स. आपकी बुक में पिक्चर दी हुई है और आपको क्या करना है? ब्लैंक फिल करना है. सो यहाँ पर एक पिक्चर बनाई हुई है आपकी लाइक दिस. ओके, एंड ओके, सो फर्स्ट, सो द
एंड ब्लैंक इज ए बिग बॉल ऑफ फायर इज अ बिग बॉल ऑफ फायर. क्या है ये? गड्ढा है. बिग बॉल ऑफ फायर, फायर का बड़ा गोला क्या होता है? व्हाट इज दिस? दिस इज अ सन. सो व्हाट यू राइट हियर? सन इज अ बिग बॉल ऑफ फायर एंड इट राइजेस मींस उदय होना इन द कौन से साइड में उदय होता है? ईस्ट मींस पूर्व साइड में. ईस्ट ईस्ट. अब ब्लैंक में क्या लिखेंगे? इज एंड सेट इन द मीन्स छिपता है. कौन से साइड पे छिपता है ये? सेट्स इन द वेस्ट. सो ब्लैंक में क्या आएगा यहाँ पर? वेस्ट. डब्ल्यू एस टी वेस्ट. ओके. सो नेक्स्ट आपका एट गिव्स अस. ये हमें क्या देता है? ब्लैंक एंड ब्लैंक. ये हमें क्या देता है स्टूडेंट्स? इट गिव्स अस हीट एंड एनर्जी. सो व्हाट यू राइट हियर? लाइट एंड हीट. रोशनी देता है और हीट भी देता है. ओके. सो यू राइट हीट वन इन वन ब्लैंक लाइट एंड सेकंड ब्लैंक हीट. सो ये क्या है? सन है जो कि फायर का बिग बॉल है और ये इस साइड में राइज होता है और वेस्ट साइड में सेट हो जाता है मीन छिप जाता है और उदय होता है इस साइड में. और ये क्या देता है? लाइट और हीट देता है. सो दिस इज अबाउट द ओके सन. सन पिक्चर्स आर ड्रॉ एंड नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज. पेज नंबर B49. सो फर्स्ट डन. B49 में क्या स्टूडेंट्स? देयर इज ए ओके. सो लाइक दिस ड्रॉ एंड नंबर टू द डैश इज आवर closest neighbor 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 means क्या होता है? पड़ोसी. in the sky it takes days to go around अराउंड द अर्थ. ओके. गो अराउंड द अर्थ. सो स्टूडेंट्स सब देखिएगा इसमें क्या है. द डैश इज आवर क्लोजेस्ट नेबर. ये क्या हमारा सबसे क्लोजेस्ट नेबर है. सो व्हाट इज दिस? दिस इज सबसे क्लोजेस्ट नेबर कौन होता है? मून. सो व्हाट यू राइट इन ब्लैंक? मून. द मून इज आवर क्लोजेस्ट नेबर इन द स्काई. इट टेक्स कितने दिन लेता है? गो अराउंड द अर्थ. अर्थ के चारों जाने में कितने दिन लेता है? 28 डेज. सो व्हाट यू राइट? 28 डेज. ओके कंप्लीटेड. नाउ नेक्स्ट इज नंबर थर्ड. थर्ड इज सो इन द नेक्स्ट थर्ड वी सी the sky we use a dash to see stars. So students we see many क्या तीन छोटे छोटे क्या देखते हैं? इन द स्काई. स्काई में क्या देखते हैं छोटे छोटे? These are stars. So tiny stars. We use our dash to see stars. Stars are far away from us. हमसे बहुत दूर है और दूर की चीजों को देखने के लिए हम क्या यूज में लेते हैं? We use a किससे देखते हैं हम stars को? Yes, a telescope. जो कि दूर की चीजों को देखने के लिए काम में लिया जाता है. Telescope. Okay, we use a telescope to see stars. Stars को देखने के लिए हम एक telescope use में लेते हैं. Okay.
एंड नेक्स्ट इज लेट्स एक्यूराइट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेट्स एक्यूराइट. एक्यूराइट क्या है? वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है ये आपका. व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सन टू अस? सन का हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस है? ओके, सो फर्स्ट आपका ऑप्शन दिया हुआ, इट गिव्स अस लाइट टू सी थिंग्स अराउंड. ये हमें लाइट देता है हमें चारों ओर की चीजों को देखने के लिए. सेकेंड ऑप्शन है इट हेल्प्स प्लांट्स टू मेक फूड. ये प्लांट्स की हेल्प करता है खाना बनाने के लिए. एंड इट गिव्स लाइट टू स्टार्स, स्टार्स को लाइट देता है. एंड फोर्थ आपका डी, बोथ ए एंड बी. सो स्टूडेंट्स, सन की इम्पोर्टेंस क्या है? सन हमें क्या देता है? लाइट देता है, इट्स लाइट. और जिसकी वजह से हम अपने